बार्सिंदा आणि आमदार मीर कोबेच्या उपस्थितीत बार्सिंदा पार्टीचे महापालिकेतले नेते प्रभाकर शिंदेजी आणि विनोद मिश्राजी हे इथं उपस्थित आहेत. माझे सहकारी प्रवक्ते भाषण शेरसाग हे प्रभाव इथं उपस्थित आहेत. मी प्रभाकर शिंदेला पहिल्यांदा हे करतो मीर वही करते मीर भाई विनंती करतो की त्यांनी विषय मांडावा मग तो पुढे विषय प्रभाकर शिंदेजी पुढे मांडावा. नमस्कार. गेल्या काही महिन्यापासून आपण बघताय की मुंबई महानगरपालिकामध्ये भ्रष्टाचार खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहेत आणि भारतीय जनता पक्षाचे महानगरपालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक हे सर्व एक नंतर एक हे मोठे भ्रष्टाचार घोटाळे काढत आहेत. आज आपण भेटलोय तर महापालिकेत सत्तेत बसलेले लोकांनी मुंबईचे सफाई कामगार यांचे घर त्यांचे हक्काचे घरात त्या योजनेअंतर्गत 1844 कोटीचा घोटाळा केलेला आहे असं दिसून येते. मी तुम्हाला एकच उदाहरण देणार. यांनी 9 वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आहेत त्यापैकी एक ॲव्हरेज 4,800 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट 4,800 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट या भावाने घराचे बांधकामासाठी कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेलं आहे. आता विसंवाद बघा. महाराष्ट्र शासनाचं SRA मध्ये ज्यावेळी आपण एक स्कीम राबवतो तर SRA मध्ये जो रेडी रेकनर रेट किंबहुना जो मार्कर रेट ते धरतात 1-300 फुटाचं घर बांधण्यासाठी ते आहे 4.5 लाख रुपये अर्थात 1500 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट. तो पण जो प्रायव्हेट बिल्डर बनवतो त्याचं आकलन महाराष्ट्र शासनाची संस्था प्लॅनिंग ऑथॉरिटी SRAने 1500 रुपये पर स्क्वेअर फीट केलेलं आहे आणि मुंबई महानगरपालिकाने 4,800 रुपये प्रति स्क्वेअर फीटच्या भावाने हे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेलं आहे. याचा खूप टेक्निकल डिटेल्स आहेत. प्रभाकर शिंदेजी आपल्याला देतील, विनोद मिश्राजी देतील, पण मुळात मनात हे प्रश्न पडतो की महानगरपालिकेचा सत्ताधारी पक्ष यांनी आता सफाई कर्मचाऱ्यांनाही सोडलेलं नाहीये. त्यांचाही हक्कामध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे आणि त्यांना बेनिफिट देण्याचा ऐवजी हे स्वतःच्या घरी 1800 कोटी रुपये नेणार आहेत. मी टेक्निकली हे पूर्ण स्कीम काय आहे कसं आहे एवढा मोठा घोटाळा आहे प्रभाकर शिंदेंना विनंती करतो की आपल्या समोर त्यांनी ठेवावं. नमस्कार. खरं तर आमदार मिहिरबाईंनी जे सांगितलं त्याच्यातली पुढची कडी मी आपल्यासमोर मुंबई महानगरपालिकेचा गटनेता म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा गटनेता म्हणून मांडतोय. गेल्या अनेक बैठकांमध्ये 9 प्रस्ताव आले जे आश्रय योजनेअंतर्गत आले होते आणि प्रत्येक वेळेला महाराष्ट्र शासनाची वेगवेगळी परिपत्रकं त्या ठिकाणी अध्यक्षस्थानी बसलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या यशवंत जाधव यांना मी दिलेली आहेत की या परिपत्रकानुसार मुंबई महानगरपालिकेतल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काची घरं देण्यात यावीत अशा प्रकारची महाराष्ट्र शासनाची परिपत्रकं ही मी प्रत्येक बैठकीमध्ये दिलेली आहेत. किंबहुना प्रत्येक बैठकीमध्ये आश्रय योजनेच्या या प्रस्तावाला भारतीय जनता पक्षाच्या गटाने कडाडून विरोध केलेला आहे पण अनेक वेळा ती परिपत्रकं दिल्यानंतरसुद्धा बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसापल्य आवास योजना या अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाची परिपत्रकं असताना ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने 50% खर्च आणि महानगरपालिकेने 50% खर्च अशा प्रकारे भार उचलून या सफाई कामगारांना
मालकी हक्काची घरं देण्यात यावीत अशा प्रकारचं प्रतिपादन हे सतत आणि सातत्याने भारतीय जनता पक्षाच्या गटांनी लावून धरलं। खरं तर याच्या मागची पार्श्वभूमी अशी आहे, गेली 100 वर्ष हा सफाई कामगार हा मुंबई साफ ठेवण्यासाठी मुंबई स्वच्छ ठेवण्यासाठी सातत्याने श्रम करतोय, सातत्याने घाम गाळतोय आणि आज या सगळ्या दुर्गंधीमध्ये काम करता करता असंख्य विकार त्याला जडतात, किंबहुना त्याला प्राणाला मुकावं लागतं। या सगळ्या परिस्थितीचा ज्यावेळेला विचार झाला त्यावेळेला 1985 साली लाड पागे समिती आली आणि लाड पागे समितीने मगापासून जे मी उद्धृत करतोय अशा प्रकारचा निर्णय दिला की या सगळ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना आपण मालकी हक्काची घरं द्यावी। 2013 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेला सुरुवात केली आणि याच्यामध्ये 130 सफाई कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काची घरं ही द्यायला माहूलमध्ये सुरुवात झाली। 130 कामगारांना ती घरं मिळाली, त्याच्यानंतर पुन्हा थबकलं। आज आपल्याला विशेष अर्थाने लक्षात आणून देतो की भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सुद्धा 2013 मध्ये झालेल्या शासन निर्णयानुसार सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरं देण्यासाठी वेगळं धोरण न बनवता पुन्हा लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसारच या सगळ्यांना घरं देण्यात यावीत आणि ती पण मालकी हक्काची देण्यात यावीत अशा प्रकारचं प्रतिपादन केलं, सरकारी निर्णय झाला। आज परिस्थिती काय आहे तर 2017 मध्ये शिवसेनेची एक हाती सत्ता ही मुंबई महानगरपालिकेत आली आणि त्याच्यानंतर या राज्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की तिघाडी सरकारचं नेतृत्वसुद्धा शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांकडे आलं। पण आज परिस्थिती अशी आहे की आजसुद्धा सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरं देण्याच्या ऐवजी जसं मिहिरबाईंनी उल्लेख केला तसं कंत्राटदारांची खिसे भरण्यासाठी अशा प्रकारच्या निविदा काढून तशा प्रकारचे प्रस्ताव हे महानगरपालिकेत मंजूर केले जातात। अनेक वेळा या विषयावर भारतीय जनता पक्षाने आग्रह धरला की महाराष्ट्र शासनाची जी परिपत्रकं आहेत, बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजना, याच्यामध्ये या सगळ्या कामगारांना आपण त्या प्रकारची घरं देण्यात यावीत। याचं कारण आज जवळजवळ उपनगरामध्ये 46 वसाहती आहेत, 29,618 सफाई कामगारांपैकी 5,592 सफाई कामगारांना केवळ सेवानिवासस्थानं दिलेली आहेत। लक्षात घ्या, या ठिकाणी मुद्दा असा महत्त्वाचा आहे की एका बाजूला मालकी हक्काची घरं द्या असं लाड पागे समिती सुचवतं, 2013 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्या योजनेला अंशतः का होईना सुरुवात करतात, 2018 ला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे सांगतात की या अंतर्गत त्यांना मालकी हक्काची घरं द्या, पण या ठिकाणी दोन्ही बाजूला सत्तेत असलेली शिवसेना ही पुन्हा त्या कामगारांना त्या सेवा निवासस्थानामध्येच ढकलते। आणि त्या कशासाठी ढकलत आहे तर या मुंबई शहरातल्या कंत्राटदारांचं, जसं मिहिरबाईंनी उल्लेख केला, मिहिरबाईंनी हा फरक सांगितला की याच्यामध्ये 4,800 आपण भाव देतोय तर SRA मध्ये अल्प भावामध्ये आपण लोकांना घरं देतोय। आज भारतीय जनता पक्षाची मागणी अशी आहे किंबहुना भविष्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष याच्यासाठी संघर्ष करेल की या सगळ्या सफाई कामगारांना, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की 9 कंत्राटदारांना कंत्राटं दिली गेलेली आहेत, 46 वसाहती ज्या आहेत त्याच्यापैकी 34 वसाहतींचं कॉन्ट्रॅक्ट काढलं गेलेलं आहे। पण आज ह्या ठिकाणी आम्ही हे प्रतिपादन करू इच्छितो की या सफाई कामगारांना 1985 च्या लाडपागे समितीच्या अनुसार पृथ्वीराज चव्हाणांनी अंशतः चालू केलेली मालकी हक्काची घरं आणि देवेंद्रजींनी त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचा केलेला प्रयत्न, या सगळ्या प्रयत्नांना यशस्वी करण्यासाठी आणि या मुंबई शहरातल्या जो सफाई कामगार मुंबई शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी, सुंदर ठेवण्यासाठी एका अर्थाने स्वतःचं आरोग्य धोक्यात घालत असतो,
याचं कारण धूळ, दुर्गंधी, सगळा कचरा, याच्यामुळे अनेक वेळा क्षयरोगासारखे अतिशय असाध्य रोग आणि त्याच्यातून सुद्धा मृत्यूला सामोरं जाणं अशा प्रकारची रिस्क जो कामगार घेतो त्याला कायमस्वरूपी हक्काची घरं मिळावीत. याचं कारण आज त्या ठिकाणी परिस्थिती अशी आहे, गेली 9 टेंडरवर ज्यावेळेला भारतीय जनता पक्षाचा गट हा त्या ठिकाणी युक्तिवाद करत होता त्यावेळेला अनेक युनियनच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाने सतत आणि सातत्याने ही मागणी येते की तुम्ही प्रयत्न करा आणि आम्हाला आमच्या वारसा हक्कांना मालकी हक्काची घरं मिळवून द्या. पण सत्ताधारी शिवसेनेच्या कानी कपाळी ओरडून सुद्धा सत्ताधारी शिवसेना हे ऐकायला तयार नाही. महाराष्ट्र शासनाची परिपत्रकं देऊन सुद्धा त्याच्याकडे कानाडोळा जातो. केवळ कंत्राटदारांची खिसे भरण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी यांची मदत घेऊन हे प्रस्ताव पास केले जातात. याला न्यायालयामध्ये आम्ही आव्हान देण्याची सुद्धा तयारी केलेली आहे आणि याच्यापुढे भारतीय जनता पक्ष याच्यासाठी कटिबद्ध राहील की माननीय देवेंद्रजींनी जी संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी प्रयत्न केला तो प्रयत्न यशस्वी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेतला भारतीय जनता पक्ष आणि एकंदरच भारतीय जनता पक्षाचे सगळं शीर्ष नेतृत्व हे त्यासाठी प्रयत्न करेल. या कंत्राटामध्ये कशा प्रकारचा भ्रष्टाचार झालेला आहे, कशा प्रकारचा भ्रष्टाचारी होऊ पाहत आहे, सत्ताधारी शिवसेना त्याचबरोबर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी हातात हात घालून या सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काची घरं देण्याच्या ऐवजी पुन्हा एकदा सेवा निवासस्थानामध्ये ढकलत आहे आणि त्याच्यामधला भ्रष्टाचार हा या ठिकाणी मांडण्यासाठी माझे सहकारी विनोद मिश्रा यांना मी या ठिकाणी विनंती करतो. विनोदजी हा या सभी पत्रकार मित्रों को स्वागत है. आज की इस पत्रकार परिषद में उपस्थित मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के कोषाध्यक्ष सम्माननीय मिहिर कोटेचा जी, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता श्रीमान केशव उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के गट नेता सम्माननीय प्रभाकर शिंदे जी और महाराष्ट्र के प्रवक्ता और महानगर पालिका में हम लोगों के नेता भालचंद सिरसाट जी, जैसा कि मित्रों सम्माननीय मिहिर कोटेचा जी और प्रभाकर शिंदे जी ने आश्रय योजना का उल्लेख किया, यह योजना सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को आश्रय देने वाली योजना है. आश्रय योजना के माध्यम से जो मुंबई को सालों साल अपने जीवन को, अपने प्राण को धोखे में डाल करके मुंबई को स्वच्छ रखने का काम जो सफाई कर्मी कर रहे हैं, उनके घरों के नाम पर 1844 करोड़ का घोटाला है. इसमें सत्ताधारी शिवसेना, महानगर पालिका के अधिकारी, महाविकास आघाड़ी के घटक दल, राष्ट्रवादी, कांग्रेस सब मिलकर के 1844 करोड़ का घोटाला किए. अगर इस घोटाले पे जो सम्माननीय आमदार साहब जो एसआरए का रेट बताए, अगर उस रेट पे देखेंगे तो पत्रकार मित्रों मुंबई महानगर पालिका का जो यूएसआर रेट है, जो शेड्यूल्ड रेट है, वो 30,500 का है. 30,500 तो उन्होंने पकड़ा है सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करने के लिए. वहीं पर एक रेट पकड़ा है उन्होंने 3600 रुपया पर स्क्वायर फुट, वो पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल्ड रेट पकड़ा हुआ है और उस पर जो कि 2019 में कोविड के ठीक 6 महीने पहले 2020 सितंबर में निविदा आई और इस निविदा में को फरवरी में रद्द कर दी गई. उस समय का 3600 रेट था, उसको बढ़ा करके 4300 स्क्वायर फुट किया गया. अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 46,884 रुपये
उसके पीछे रीजन दिया गया कि माल की कमतरता है, लॉकडाउन है, लेबर नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं विरोधाभास है। जब क्योंकि एक प्रकल्प था, गवर्नमेंट का काम था, सारे शासकीय काम चालू थे, तो उस समय अगर सरकार नियोजन करती, मुंबई महानगर पालिका नियोजन करती, तो मुझे लगता है कि सस्ता रेट होता। अगर उस तरह से हम पकड़ेंगे कि 3,500 रुपये का अगर रेट पकड़ते तो कहीं ना कहीं ये घोटाला 2,500 करोड़ तक जाता है। लेकिन जो मैं फैक्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ, जो महानगर पालिका ने 46,000 रुपये मीटर का रेट पकड़ा हुआ है, उस रेट से पकड़ते हैं तो ये करीब करीब 1,844 करोड़ का घोटाला है। अभी घोटाला एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ, तो मुंबई महानगर पालिका ने जो इस्टीमेट निकाला वो 33,96,511 स्क्वायर फुट का है, और उसको कॉन्ट्रैक्टर 4 FSI में जो 33 लाख है वो 3320 DCR के मुताबिक 33,96,000 है, और उसी को कॉन्ट्रैक्टर 76,39,727 स्क्वायर फुट कोट करता है। तो रेट जो वो 4,850 रुपये पर स्क्वायर फुट कर कोट करता है, वो कहीं ना कहीं 3 गुना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, 8,000 से 12,000 के रेंज में आ जा रहा है। और इसको मैं सिंपल तरीके से दो उदाहरण, मीडिया हाउस को बुला करके, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन वालों को बुला करके रिक्वेस्ट किया कि कोरोना के वायरस को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए प्रकाशन नहीं किया जाए। लेकिन आपदा को किस तरह लूट का अवसर बनाने का काम सत्ताधारी शिवसेना ने और उनके सहयोगी ने किया, ये उनकी मॉडस अपरेंडी है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको 28 अप्रैल को जब पूरा संचार बंदी थी, सिर्फ जो आपातकालीन सेवाओं में थे, वैद्यकीय सेवाओं में थे, उनको ही बाहर घरों से निकलने की अनुमति थी, ऐसे परिस्थिति में 28 अप्रैल को महानगर पालिका के पोर्टल पर इस टेंडर को अपलोड किया गया। मित्रों, इसमें एक थाना की सेवना नाम की कंपनी आई, उसने बिड किया 3 गुना हमारी जितनी एरिया थी, उस एक्चुअल एरिया के सामने सेवना कॉरपोरेशन गट क्रमांक ग्रुप 2 और 3 के लिए किया, जहां महानगर पालिका की एक्चुअल इस्टीमेटेड एरिया 45,570 मीटर थी और महानगर पालिका का रेट 46,887 था, और उस महानगर पालिका का इस्टीमेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 213,66,40,590 था, उसकी जगह उसने क्या किया, उसको 3 टाइम्स कर दिया, 113,262, और रेट कितना किया, 52,445, तो डिफरेंस कितना हुआ, 380 करोड़ का। और वहीं पे ग्रुप 3 के लिए जो एरिया थी 3320 में 4 FSI के हिसाब से पकड़ करके 42,625, रेट 46,887, इस्टीमेटेड वैल्यू 199,85,58,375, उसकी जगह पर उसने 1,34,429 दर क्या कोट किया, रेट क्या कोट किया, 52,455, मतलब 704 करोड़, इसका डिफरेंस आया 504 करोड़ का। अगर सीधा सीधा सयोना कॉरपोरेशन का पकड़ते हैं, सिंगल बीडर था, तो करीब करीब 805 करोड़ का फर्क, 805 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। अब ये सिंगल बीडर की वजह से प्रशासकीय मान्यता के लिए डिपार्टमेंट पुटअप किया, डीएमसी के पास, चीफ इंजीनियर के पास, सीएमसी के पास, अब ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जैसे ही सेकंड वेव आई अप्रैल में, लोग परेशान थे, लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए आम मुंबईकर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में हॉस्पिटल और बेड और ऑक्सीजन के लिए जान गंवा रहे थे, ऐसे में मुंबई महानगर पालिका फिर इस आपदा को लूट का अवसर बनाने में काम कर रही थी। 26 अप्रैल को
माननीय अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प ने इसको फिर से निगोशिएशन का आदेश दिया। तो मेरा आरोप है कि प्रशासन किसके आदेश पे कर रहा था, आपदा को अवसर में बदलने का, लूट का अवसर के रूप में बदलने का काम किसके इशारे पे कर रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब हम पूरे प्रकरण को देखते हैं तो इसमें और एक गंभीर त्रुटि है कि 8 पैकेट का 2 पैकेट होल्ड कर दिया गया, 1 का रीटेंडरिंग हो रही है, 1 अभी पास नहीं हुआ। 8 में से जो पेमेंट की कंडीशन है उसको बार बार भारतीय जनता पार्टी के, जैसा सम्माननीय प्रभाकर शिंदे जी ने बताया कि नगर सेवकों ने घट नेता के नेतृत्व में बार बार विरोध किया, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है उनके बहुमत के आधार पर उन्होंने पास किया। देखेंगे कि डीएल में टेंडर में कोई पेमेंट की कंडीशन नहीं होते हुए भी डीएल में उन्होंने प्रपोज किया कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर अच्छा सीओनायन कंपनी उनको सिर्फ प्लान सबमिट करेंगे, प्लान सबमिट करने पर उनको 5% एडवांस दे दिया जाएगा। जिसने कम रेट 8 नंबर पैकेट के लिए देव इंजीनियरिंग ले जितना अपना एस्टीमेट था उससे भी 2 करोड़ रुपया कम किया, उसको क्या डाला कि प्लान मंजूर होगा तो उसको 1% दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, भारत के संविधान आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वायलेशन है, और सीबीसी गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाईकोर्ट के जजमेंट इस तरह के केसेस में आए हुए हैं उसका वायलेशन है। ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करने के लिए किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज के पत्रकार परिषद के माध्यम से मांग है कि इस पूरे जो भ्रष्टाचार में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना से लेकर के महाविकास आघाड़ी घटक दल से लेकर के प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी से लेकर के सनदी अधिकारी तक की जो लूटपाट सेना बनी हुई है, लूटपाट की सेना बनी हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं कार्रवाई करना चाहिए। उसके लिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय नगर विकास मंत्री महोदय, माननीय महापौर महोदया और मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा है कि जो 1844 करोड़ की लूट को रोकने के लिए महानगर पालिका ने जो न्यूनतम दर रखा है उस दर पे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करके कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, और साथ ही साथ आप देखेंगे इंटरेस्टिंग कि जब सेवना कॉरपोरेशन का बीड, कमर्शियल बीड खुली 20 नवंबर 2020 को, उसके 5 दिन पहले वही सियोना कॉरपोरेशन 15 नवंबर को एक हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल के स्टाफ क्वार्टर्स का टेंडर भरता है जिसमें 4 बीड आती है, उसके लिए वो 3700 रुपये कोट करता पर स्क्वायर फुट का, उसको काम मिलता है, लेकिन यहाँ सिंगल बीड पे पूरा शासन प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहा, जिसकी वजह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और हमारी दूसरी मांग है कि जो सयोना कॉरपोरेशन, जो मैंने उदाहरण दिया वो सिंगल बीडर है, उसकी जो कैपेसिटी है उसने करीब 250 करोड़ का काम किया हुआ है, 20,000 मीटर का काम किया हुआ है, थाना में काम किया हुआ है, उसको 1400 से 1450 करोड़ का काम दिया गया है, तो इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी चेक करनी चाहिए। और जो 5% के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको करीब करीब 125 करोड़ सिर्फ प्लान सबमिशन पर जो महानगर पालिका ने भुगतान किया है उसकी रिकवरी करना चाहिए, और एक्चुअल प्लान फ्रीज करना चाहिए और एक्चुअल एरिया फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के पास
आर्किटेक्ट है, मुंबई महानगरपालिका के पास डीपी डिपार्टमेंट है, मुंबई महानगरपालिका के पास बीपी है, क्योंकि वो आर्किटेक्ट जो प्लान पुटअप करेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर प्लान पुटअप करेगा वो मुंबई महानगरपालिका ही सैंक्शन करने वाली है, तो प्लॉट पोटेंशियल के हिसाब से उनको एक्चुअल पेमेंट करना चाहिए। और इस भ्रष्टाचार में आर्किटेक्ट से लेकर के कॉन्ट्रैक्टर से लेकर अधिकारी तक जो भी इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और हमारी चौथी मांग है कि इसमें मोल भाव में जो निगोशिएशन हुआ है उसमें सनदी अधिकारी से लेकर के मंजूरी तक खुद आयुक्त महोदय इन्वॉल्व रहे हैं, तो इसमें सीवीसी गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर भारत सरकार को भी मैं शिकायत करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ जो आईएएस रैंक के अधिकारी जो सनदी अधिकारी हैं कहीं ना कहीं सत्ताधारी शिवसेना के साथ में जो उनका भ्रष्टाचार का जो लूट का 1844 करोड़ का जो खेल चालू है उसमें वो शामिल है, उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को भी हम लोग शिकायत करेंगे। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर मैंने पत्र दिया है कार्रवाई करेंगे, महापौर महोदया कार्रवाई करेंगी, कैबिनेट सचिव और चीफ सेक्रेटरी महोदय कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आने वाले दिनों में माननीय राज्यपाल महोदय से मिलकर के लोकायुक्त से जांच की मांग करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस प्रकरण को लेकर के माननीय न्यायालय के पास भी जाएंगे। लेकिन जो मुंबईकर के हक का पैसा है, जो सफाई कर्मी सालों साल भारतीय मुंबई को स्वच्छ रखने में अपने पीढ़ी दर पीढ़ी खपा दिया, उनके हक का घर दिलाने के लिए उनके नाम पे जो लूट हो रही है उसके लिए संघर्ष करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है कि जो बाबा साहब आम्बेडकर श्रम साफल्य योजना है उस योजना के तहत सभी सफाई कर्मियों को निशुल्क घर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो बाबा साहब आम्बेडकर श्रम साफल्य आवास योजना है उसका नाम चेंज करके सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जो सत्ताधारी शिवसेना और साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब आम्बेडकर का नाम चेंज करके आश्रय योजना किया है वो कहीं न कहीं पाप है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है। और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता देगी। धन्यवाद। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य के मुखिया हैं, हमने बताया कि महानगर पालिका में बैठे हुए सत्ताधारी शिवसेना के लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग वहाँ पे सो कॉल्ड विरोधी पक्ष नेता हैं, जहाँ पर भी भ्रष्टाचार की बात आती है ये सिद्ध हो गया, महानगर पालिका में तो सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, महापौर महोदया, चीफ सेक्रेटरी महोदय, एकनाथ शिंदे साहब माननीय नगर विकास मंत्री, इनके पास हम शिकायत करेंगे, शिकायत किए हैं और एक मौका देते हैं कि उन्होंने जो गलती की है, जो लूटपाट उनकी पार्टी के द्वारा हुई है उसको रोके और दोषी लोगों पर कार्रवाई करे। नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उसके लिए अलग अलग फोरम है, माननीय राज्यपाल महोदय है, माननीय लोकायुक्त महोदय है, माननीय कैबिनेट सचिव है, सीबीसी हैं और न्यायालय हम जाएंगे। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी न्याय की और हक की लड़ाई मुंबईकर के लिए लड़ती रही है, इसमें भी करते रहेंगे। उपस्थित केले पण ते थांबलेच
मी मगाशीच मी माझ्या वक्तव्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही काढून बघा, पहिले 38, 39 तीन प्रस्ताव ज्यावेळेला आले त्याच्यापैकी दोन प्रस्ताव शहराचे होते, एक बीजी शिवसेनेचा होता. त्या 38, 39 ला सुद्धा आम्ही बीजी शिवसेनेचा सत्ताधारी स्वतः त्याला रिजेक्ट केला. त्याचं कारण काय आहे ते त्यालाच माहिती. आणि आज म्हणून आज ही पत्रकार परिषद आहे की अनेक वेळा विरोध केल्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी यांनी बहुमताने हे प्रस्ताव पास केलेले. आता सुद्धा दोन प्रस्ताव हे अजेंडावर आहेत. भारतीय जनता पक्षाविषयी विरोध करतच नाही, पण तिथे तिकडच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी शिवसेना जे निर्णय घेते त्याच्यासाठी ही पुढची सगळी काय आहे. असं आहे की त्या ठिकाणी स्टँडिंग कमिटीमध्ये गुणवत्तेवर आम्ही युक्तिवाद करत असतो आणि तो त्या ठिकाणचा जो युक्तिवाद होता तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरची क्षमता तो पूर्ण करू शकेल की नाही या ठिकाणी पत्र आहे. अतिरिक्त आयुक्तांचं त्याला उत्तर आहे की त्याची बिल्ड कॅपॅसिटी नाही. माझ्या पत्राला त्यांनी उत्तर पण दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे विषय हे स्टँडिंगमध्ये नाही. तिथे आम्ही त्याची क्षमता काय तो करू शकेल की नाही आणि किती जास्तीचा भाव हा मुंबई महानगरपालिका देणार आहे याच्यावर आम्ही युक्त करतो. काही अनुभव आहे अजून काही सांगूया. थँक्यू. Yes, sir.